YouTube इस टाइम पे 260 करोड़ एक्टिव यूजर के साथ दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म है, जो हर साल Google को 2900 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करके देता है। लेकिन YouTube की शुरुआत हुई कैसे, तो आइए जानते हैं कैसे एक ऑनलाइन डेटिंग एप्लीकेशन बन गया दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म। YouTube की शुरुआत के लिए हमें जाना होगा 2005 से भी पहले, जब इलॉन मस्क की को-फाउंडेड कंपनी PayPal के तीन फॉर्मर एम्प्लॉयज चैड हार्ली, स्टीव चेन और जावेद करीम साथ मिलकर ट्यून इन हुकअप के नाम से एक ऑनलाइन वीडियो डेटिंग प्लेटफॉर्म या फिर वेबसाइट की शुरुआत करते हैं। पर लॉन्च होने के बाद इस डेटिंग वेबसाइट में कोई भी अपनी वीडियो पोस्ट करने में इंटरेस्ट दिखाता ही नहीं, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जावेद करीम और स्टीव चेन एक एड कैंपेन चलाते हैं और अपने प्लेटफॉर्म पर वीडियो पोस्ट करवाने के लिए लड़कियों को $20 ऑफर करते हैं। लेकिन फिर भी उनकी वेबसाइट पर कोई भी अपनी वीडियो पोस्ट करता ही नहीं और उनका ये आइडिया एक मेजर फेलियर साबित होता है। डेट थी 1 फरवरी 2004 की, जब सुपर बोल इवेंट में जस्टिन टिम्बरलेक और जेनेट जैक्सन के परफॉर्मेंस के दौरान जेनेट जैक्सन का वार्डरोब इंटेंशनली मालफंक्शन हो जाता है। और इसके अगले दिन ही जावेद करीम इस वीडियो को ऑनलाइन हर जगह सर्च करने की कोशिश करते हैं, पर बड़ी कोशिश के बावजूद भी जावेद को ये वीडियो ऑनलाइन मिलती ही नहीं है। जिसके बाद उनको एक वेबसाइट का आइडिया आता है, जहां पर कोई भी यूजर उनकी वेबसाइट पर अपनी वीडियो शेयर या अपलोड कर सकता है। जिसके बाद जाकर साल 2005 में तीनों को-फाउंडर अपनी वेबसाइट का नाम बदलकर YouTube रखते हैं और YouTube पर पहली वीडियो @thezoo नाम से अपलोड करते हैं और ये वीडियो आज भी YouTube पर अपलोडेड है, जिसपे 260 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज अब तक आ चुके हैं। Alright, so here we are, one of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really, really, really long. और उसके अगले महीने ही इस वेबसाइट को पब्लिक के लिए लॉन्च कर दिया जाता है और जिसके बाद MW नाम के चैनल से दूसरी वीडियो माई स्नोबोर्डिंग स्किल के नाम से अपलोड होती है और धीरे धीरे करके लोग इस प्लेटफॉर्म पर वीडियोस अपलोड करना शुरू करते हैं। और सिर्फ एक महीने के अंदर ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर 30,000 जितने व्यूअर हर दिन आने लगते हैं और फाइनली सितंबर 2005 में जाकर यूट्यूब ने अपनी फर्स्ट वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज का रिकॉर्ड बनाया था और वो वीडियो एक नाइक के एडवर्टीजमेंट की थी, जिससे ये अंदेशा तो उस टाइम ही लग गया था कि आगे आने वाले सालों में डिजिटल मार्केटिंग कैटेगरी में यूट्यूब की जड़ें काफी ज्यादा मजबूत होने वाली है। और साल का अंत आते आते यूट्यूब की डेली रीच 25 मिलियन और अपलोड्स 25,000 तक पहुंच चुके थे। हालांकि ऐसा नहीं था कि यूट्यूब के पास उस टाइम पर कंपटीशन नहीं था, एक और वीडियो प्लेटफॉर्म इस सेक्टर में बहुत तेजी से अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था और वो प्लेटफॉर्म था डेली मोशन। पर डेली मोशन में एक लिमिटेशन थी कि यूजर 2 GB के ऊपर और 60 मिनट से लंबी वीडियोस अपलोड नहीं कर सकते थे। और वहीं अगर YouTube की बात करें तो YouTube की वेबसाइट पर ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं और अपने कंपटीशन का फायदा उठाते हुए YouTube ने इस इंडस्ट्री में बाजी मार रखी थी। दिसंबर 15 साल का अंत आते आते YouTube ने अपनी पहली फंडिंग $3.5 million की सिक्वा कैपिटल से उठाई और इस पैसे को YouTube ने अपने सर्वर्स और बैंडविड्थ को और भी ज्यादा मजबूत करने में खर्च किया। जिसके बाद जाकर साल 2006 में YouTube की बढ़ती पॉपुलैरिटी और ग्रोथ पोटेंशियल देखकर Google ने $1.6 billion देकर YouTube को अक्वायर कर लिया। Hi YouTube, this is Chad and Steve. We're the co-founders of the site, and we just want to say thank you. Today we have some exciting news for you. We've been acquired by Google. और साल 2007 में जाकर YouTube ने पहली बार अपना पार्टनर प्रोग्राम लॉन्च किया। इस प्रोग्राम के लॉन्च होने के बाद ही जाकर पहली बार लोगों को अपना कंटेंट अपलोड करने के लिए पैसा मिलना शुरू हुआ, जिससे YouTube पर कंटेंट क्रिएटर्स की गिनती बढ़ती ही चली गई। और ये वही प्रोग्राम था कितने क्रिएटर को जमीन से आसमान तक का सफर करने में मदद करी। और साल 2011 में YouTube ने ब्रॉडकास्टिंग बिजनेस में एंट्री करते हुए लॉन्च किया YouTube का लाइव फीचर, जिसके बाद YouTube पर लाइव कॉन्सर्ट्स, न्यूज कवरेज, ओलंपिक और गेम स्ट्रीम जैसे पॉपुलर कैटेगरी में वीडियो ब्रॉडकास्ट होना शुरू हुआ। ओ ये कौन है मेरे आसपास? मैं बंदा मारने जा रहा हूँ। कौन है?
साल 2012 में जाकर गंगनम स्टाइल सॉन्ग ने अपनी वीडियोस पर 1.3 बिलियन व्यूज पूरे कर पहली वीडियो जिस पे 1 बिलियन व्यूज क्रॉस करने का खिताब अपने नाम किया। साल 2014 में YouTube ने अपनी सब्सक्रिप्शन सर्विस स्टार्ट करी और साल 2015 में इस सर्विस को YouTube Red के नाम से बदल दिया। इस सब्सक्रिप्शन के थ्रू YouTube पर कुछ नॉमिनल फीस देने से आप बिना एडवर्टीजमेंट के कोई भी वीडियो स्ट्रीम कर सकते थे। साल आया 2016 का जब इंडिया में लॉन्च हुआ जियो नेटवर्क, जिसने ऑफर किया इंडिया में फ्री डेटा और वॉइस सर्विस, जिसके बाद इंडिया में घर घर इंटरनेट पहुंचने लगा, जिससे YouTube की पॉपुलैरिटी और भी तेजी से बढ़ने लगी और भी इंडियन क्रिएटर्स YouTube से जुड़ते चले गए। और YouTube पर बढ़ती इंडियन व्यूवरशिप की ही वजह से अब फॉरेन यूट्यूबर्स ने भी इंडियंस के ऊपर वीडियोस बनाना शुरू किया। साल आया 2018 का जब सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया में मौजूद यूट्यूब हेडक्वार्टर्स पे नासिम नजाफी नाम के शख्स ने हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए, लेकिन आखिर में उसने अपने आप को ही गोली मार ली। जांच करने पे पता लगा कि उसने ये हमला इसलिए किया था क्योंकि उसके हिसाब से यूट्यूब प्लेटफॉर्म उसके चैनल को लेकर डिस्क्रिमिनेट करता है। अरे यार, मेरे व्यूज तो अभी भी 10-20 आते हैं, कट्टा कहाँ है मेरा कट्टा? और धीरे धीरे कर यूट्यूब पर एक से बढ़कर एक कंटेंट क्रिएटर्स आते गए। इस टाइम पर यूट्यूब पर 2.6 बिलियन से भी ज्यादा व्यूअर्स हर महीने इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं और टू सीरीज इंडिया 232 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा सब्सक्राइब चैनल। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आई है ना पक्का, तो लाइक बटन पर अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलो फिर, मुझे पनवेल निकलना है। सुबह पनवेल निकलना है।